हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। आज हम बनाएंगे भंडारे वाले आलू। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसकी हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। इसके बाद लेंगे हम 3 मीडियम साइज़ उबले हुए आलू। इसको हम मैश कर देंगे। एक बोल में हम डालेंगे मेथी 1 चम्मच, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हम पीस लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये एक मेरा सीक्रेट मसाला है। अब ये मसाला रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। और अब जीरा भी हमारा क्रैकल हो गया है। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च 1 कटी हुई। और अब हम डालेंगे इसमें अपनी टमाटर और अदरक की प्यूरी। इसको एक प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा भुना हुआ और 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये हमारे टमाटर की प्यूरी बिल्कुल रेडी है। ऑयल इसमें फ्लोट करने लगा है और इसमें मैंने बीच में ऐड कर दिया अपना जो सीक्रेट मसाला था जिसको ग्राइंड किया था। अब हम इसमें डालेंगे अपने ग्रेटेड आलू जिसको हमने प्रॉपरली मैश कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक है। ये बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। देखिए अगर आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये लग रहा है कि आलू थोड़े गाढ़े ज़्यादा हैं, तो आप पानी इसमें और डाल सकते हैं। मेरे को इस टाइम ये परफेक्ट लग रहे हैं। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे हम। देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसको मैं ढक के रख लूँगी सिम पे फॉर 2 to 3 मिनट्स। हमारे आलू वाओ परफेक्टली रेडी हैं। पूरा तेल छोड़ दिया है इसने। इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। बिल्कुल भंडारे वाले आलू लग रहे हैं ये। आपने ये आलू कभी ऐसे खाए नहीं होंगे, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।